नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो जो है क्लास 10th के मैथ से है, और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 5.4 के एक चीज से है, और चैप्टर का नाम है समांतर सीढ़ियां, और क्वेश्चन नंबर जो है 1 है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि AP 121, 117, 113, डॉट डॉट का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। मतलब हम लोग को जो है एन का वैल्यू निकालना है कि इनमें से जो है कौन सा पद जो है सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो इसके लिए आप लिखेंगे, यहाँ देखिए सोल्यूशन, इसमें जो प्रथम पद है वो क्या है, तो 121 है, तो डी कितना होगा, तो डी बराबर होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब 117 माइनस 121, यहाँ देखिए कितना होगा, तो -4 होगा। अब चलिए प्रश्नानुसार, यहाँ देखिए प्रश्नानुसार, और देखिए प्रश्नानुसार जो है हमें एन जो है लेस देन 0 लेना है। एन लेस देन 0 क्यों लेना है, क्योंकि हमें जो है क्या चाहिए, तो ऋणात्मक पद चाहिए, और ऋणात्मक पद जो है हमेशा क्या होता है, तो 0 से कम ही होगा। ऋणात्मक वैल्यू जो है 0 से क्या होता है, कम होता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर एन लेस देन 0 लेंगे, और यहाँ पर जो है हमें एन का अलग अलग मान मिलने वाला है, जिससे एन का जो है अलग अलग वैल्यू आएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन डी, लेस देन 0 होगा यहाँ पर। यहाँ देखिए ए कितना है, तो ए जो है 121 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 121 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है, तो -4 है, लेस देन 0। यहाँ देखिए 121 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर लिखेंगे 4n माइनस 4 लेस देन 0। यहाँ देखिए 121 माइनस होगा 4n माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0। अब यहाँ देखिए 121 प्लस 4 कितना होगा, तो 125, यहाँ पर लिखेंगे -4n प्लस 125 लेस देन 0। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे -4n लेस देन इस प्लस 125 को जो है इससे लेके जाएंगे, तो होगा 0 माइनस 125, मतलब -125। यहाँ देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, तो -4 से डिवाइड करेंगे, इधर भी और इधर भी, -125/-4। अब देखिए जब -4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो ये चिन्ह जो है क्या होगा, तो पलट जाएगा। क्यों पलट जाएगा, क्योंकि हम जो है -4 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ। यहाँ देखिए ये माइनस से माइनस, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर जो है 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे एन ग्रेटर देन 125/4। और देखिए 125/4 जो है आता है, यहाँ देखिए एन ग्रेटर देन 31.25, मतलब 31.25। अब देखिए यहाँ पर जो है एन का, एन जो होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, मतलब एन का वैल्यू जो भी लेंगे हम वो पूर्णांक में ही लेंगे, लेकिन पॉजिटिव होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, ऐसा नहीं कि 0 ही लेंगे, धनात्मक पूर्णांक ही जो है क्या कहलाता है, तो एन का वैल्यू कहलाता है। एपी में जो है एन का वैल्यू जो है हम लोग क्या लेते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, मतलब प्राकृत संख्या लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि एन का वैल्यू क्या आएगा प्राकृत संख्या में, क्योंकि एन जो है 31.25 से जो है क्या है, तो ग्रेटर है, और हमें जो है एन का वैल्यू किस में चाहिए, तो सिर्फ पूर्णांक में चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्णांक में, और यहाँ से जो है धनात्मक पूर्णांक ही आएगा, तो होगा यहाँ पर एन बराबर 32। 31.25 के बाद जो है अगला जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो क्या होगा, तो 32 होगा, 31 के बाद 32, फिर 33 आएगा, फिर 34 आएगा, और इसी तरह से आगे भी। अब देखिए ये सब जो है एन का वैल्यू है, और एन के सबसे पहले वैल्यू पे जो है सबसे पहला ऋणात्मक पद मिलेगा, मतलब एन बराबर 32 पे जो है क्या आएगा, तो सबसे पहला ऋणात्मक पद आएगा। तो आप लिखेंगे कि अतः दिए गए एपी का, दिए गए एपी के 32वां पद, 32वां पद क्या होगा, तो सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, और ये जो है अपना आंसर आ गया।